मेरे कंधे रुक नहीं रहे खुशी से। देखो इनको इतना सब था फिर भी इन्होंने खेला। गाइस आज है सैटरडे और आज हमारा है मैच डे ऑफिस का। फर्स्ट टाइम ऑफिस में कुछ ऐसा क्रिकेट मैच होने जा रहा है, प्रीमियर लीग टाइप थोड़ा। तो चलो फिर, मेरी कैब आ चुकी है और मुलुंड में मैच है तो मैं डोंबिवली से सुबह सुबह ट्रैवल कर रही हूँ मुलुंड बाय कैब। ये है मेरी कैब। बोलो ना आ, आ, क्या क्या डिस्क्वालीफाई तुम्हारा टीम क्यों लेट आओगी? टाइम क्या था? ये एचआर बोल रही है कि हमारा टीम डिस्क्वालीफाई हो गया है, बट हमारा टीम डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। ये है टर्फ, उड़ाया जा रहा है। समझेगा ग्रुप ए ग्रुप बी कौन सा है, मैच कैसे होने वाला है, राइट? मुझे नहीं पता बट मैच होगा। 7 बजे का मैच था और ये अभी आया है। क्या ऑलरेडी मैच डिस्क्वालीफाई ना। सब लोग चलो फिर, एक कंपटीशन कम हो गया। कौन? चलो अब यहाँ का नाश्ता रेडी है और हम जा रहे हैं नाश्ता करें। कोई आए उससे पहले हम यहाँ पर पहुँच रहे। मेदू वड़ा, इडली, सांबर, उपमा, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि आता नहीं है खेलने। आई डोंट नो कैसे खेलेंगे बट ठीक है, मजा आएगा यार। अगर हार गए तो हम, ये चैरिटी इवेंट है हमारे, हम दूसरे को जिता रहे। आप लोग की टीम का नाम बता दो। दे धनादन। दे धनादन तो एकदम जोरदार प्लानिंग के साथ आई हुई है। इसके पीछे वनडी है। ओके, अगर बॉलर कीपर ने छोड़ा वाइड में गया तो एक दो रन है। अच्छा खेले और एक अच्छी टीम बॉन्डिंग हो, दैट वाज द मोटो एक्चुअली। ओके, लेट्स एंजॉय द डे। हेलो, हाउ एक्साइटेड यू आर गाइस? रुको, मैं इन लोग का स्ट्रेटजी ब्लॉक कर लेती हूँ। सामने सच सच बताएंगे। मैच चालू हो रहा है। फर्स्ट मैच है प्रणाली की टीम और स्वप्निल सर की टीम, जिनका नाम है, एक का नाम है बेफिक्रे और एक का नाम है दे धनादन। तो सब लोग ने ऐसा एक मूवी रिलेटेड नाम रखा है सबका, तो सब लोग का अलग अलग भी मैच चल रहा है। इट्स टाइम फॉर दे धनादन विल स्टार्ट। पहली मैच हमारी है तो ये दे धनादन स्टार्ट होगी फॉर श्योर। यस, चलो फिर इन लोगों को करें। चल रहे, हमारा कैप्टन यहाँ झाड़ू मार रहा है। नाइस, सागर कुमार, सागर सो गाइस, टॉस हो चुका है और टॉस हम हार चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन गेम अभी बाकी है, गेम जीत सकते हैं, ठीक है? तो अभी हमारा पहले बैटिंग है। टॉस हम हार गए तो स्वप्निल टू, मतलब जो स्वप्निल सर है उनके टीम ने सिलेक्ट कर लिया है, उनको करना है बॉलिंग, तो हमें बैटिंग करना है, हमें टारगेट सेट करना है। तो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, मैं बताती हूँ, ठीक है? गाइस एक्साइटेड? यस। हमारा मैच नहीं होगी, हमारा मैच नहीं होगी, अभी है ना, अभी जाने वाला। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। तो यहाँ चल रही है हमारे टीम की बैटिंग, अभी तक तो अच्छा खेल रहा है बट बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है मोंटू। हमारी टीम जीतनी है हमको। तो इसी तरह अक्षय की, अक्षय आउट हो चुका है। यस, अच्छा खेला, मैंने देखा। डरो मत गाइस, अर्जुन आ चुका है, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है अब तक की, इसके वजह से शायद हार सकते हैं। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। तो अब वापस से हमारा सेकंड मैच होने जा रहा है, लेट्स सी कैसे होता है। और अभी हम टॉस जीत गए है टाइम। एकदम जबरदस्त मैच चल रही है। ये जो बॉलर है भाई, वो पांडे, पांडे को कुछ नहीं हुआ। ये खेल रही है या डांस कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मोंटू, मेरे से हार के कैसा लगा? बहुत अफसोस, पर क्या कर सकते हो, अकेला खेल रहा है टीम में। माला धंधा कर गई। पहले बॉल पे विकेट। ओहो, कैसे लग रहा है आपको 4 विकेट लेके? ये है आज का लंच का मेन्यू, पुलाव, मिसल और ये पाइन एप्पल शीरा जो फ्लेवर वाला लग रहा है मुझे दिखने में। और ये है अक्षय और ये है मिस, जहाँ अदिति हो वहाँ कारनामे ना हो। अक्षय का पैंट पे पूरा छाछ गिर चुका है।
और आपने किया? मैंने नहीं किया। अच्छा यार चलता है, चाक चुक मत करो प्लीज, बुरा लग रहा है मुझे। सही लग गया ना, अभी मैच जीत जाएंगे। अरे बैलगाड़ी से आइए, टाइम लग गया इसमें पहुंचते पहुंचते। 5:40 हो रहा है और अब तक हम क्रिकेट खेल ही रहे, और अभी तक हमारा 5 मैच हो चुका है जिसमें से नहीं पांच मैच हो चुके हैं जिसमें से 4 हम जीत चुके हैं, 1 हार चुके हैं। तो अभी चाय पीने बाहर आए जब तक दूसरों का मैच चल रहा है, तो थोड़ा तो हम भी टाइम पास कर ले मैच के अलावा। हाय, ये है ऋतुराज। 6:30 हो गए और अब तक मैच चल ही रहा है, अभी बहुत मैच बाकी है, सेमीफाइनल्स बाकी है सब, है ना। मेरा कैमरा भी गंदा है, सॉरी। चलो अब ले लेते, शूट कर लेते। सो गाइस, वी आर इनटू फाइनल्स फाइनली। बहुत सारे मैचेस हुए, 6 मैच कुछ हुए, 7 मैच हुए कुछ, जिसमें से 1 हम हारे और 6 जीत गए, तो जिसे हम फाइनल्स में चले गए। अभी ये लास्ट मैच चल रहा है, इसमें से जो भी जीतेगा, ये मैच में से जो भी जीतेगा उनका हमारे साथ फाइनल मैच होगा। तो लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। ये ऑरेंज टीम जो है वो हमारे साथ वापस आ सकती है फाइनल्स में, मुझे लग रहा है। जितना टफ तो होगा शायद लग रहा है, लेकिन एक ट्रॉफी तो फाइनल हम लेके ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 ट्रॉफी है तो एक तो आएगा ना हमारे पास। अफी गरम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, एक दूसरे को चिढ़ाया जा रहा है, मस्त टाइम पास कर रहे हैं और आउट भी कर दिया अंकित सर को। 9 बॉल में 3 रन चाहिए था, 8 बॉल में 1 रन चाहिए, वो तो हो ही जाएगा कैसे भी, कोई इतना ये नहीं, हो गया, जीत गए। अब होगा फाइनल अंकित सर के टीम में और हमारे टीम में, जो सेमीफाइनल्स में भी हम दोनों ही साथ में थे। कांग्रेट्स, फाइनल में आ गए हम लोग वापस। जीत गए दोनों की टीम, पापा की और हमारी। फाइनल है, रुको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। हमें गए टीम, ये देख सकते हैं, ये फाइनल मैच चालू है, उनकी टीम सामने। मैं तो बहुत खुश हूँ, अगर अभी हारे भी ना हम, तो सब प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला भाई, मजा आ गया। मैं जीतूंगी, चलेगा 14 चेंडू मध्ये 5 धावा की टीम है ना। आणि अशा प्रकारे जो जिसको भी क्रेडिट्स देना ले लो भाई। हर्ष बहुत सही खेला, हर्ष देखो इनको इतना सब था फिर भी इन्होंने खेला और जीता हमने मैच। तो सागर डिजर्व करता है ऐसा भी फोटो। तो मेहनत देख रहे हो आप, ये है विनिंग हैप्पीनेस। तो एकदम ज्यादा सीरियस बात चल रही है, वी आर डिस्कसिंग कि किसको किसको अवार्ड मिले। अभी मेरे को पेटीएम आया 2 जन का, तो और किसको चाहिए। कंधे रुक नहीं रहे खुशी से, रुकना भी नहीं चाहिए। बेस्ट बैट्समैन गोज टू अदिति। मेरा एक ही है। साहिल तेरा टुकड़े हो गए। अब बताओ गाइस, मैंने तो सीरीज किसको मिलना चाहिए। जयेश।
कैप्टन एंड द टीम ओनर अदिति। थैंक यू सौरभ, एक्चुअली सुपर मेहनत करते हुए भाई। सौरभ की मेहनत के वजह से हमें हमारा फोटो मिल रहा है। हमारा आज क्रिकेट जो टूर्नामेंट था, जीओडी क्रिकेट लीग जो था, वो सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सीजन था ये, और सबको बहुत मजा आया। बहुत मतलब होते ना, सुबह 7 बजे से लेके अभी कितने बज रहे, 10 बजे तक हम लोग पूरा मजा किया। सब लोग मतलब जीता भले ही कोई भी, लेकिन सब लोग ने इतना ही मतलब होते ना, जो भी जीता वो टीम को भी इतनी सपोर्ट की, बहुत ज्यादा मजा आया। और शायद से अब हर साल ऐसे ही तो मैं पूछ रही थी कि ये हमारा फर्स्ट सीजन था जीओडी क्रिकेट लीग का, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप नेक्स्ट ईयर और क्या इसमें अच्छा करना चाहते हो? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब दिस द होल एंटायर पर्पस ऑफ डूइंग दिस क्रिकेट टूर्नामेंट वाज टू हैव अ नाइस मॉर्निंग अमंग ईच अदर एंड आई सॉ फैबुलस मॉर्निंग। इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों से मॉर्निंग की जिनका शायद मुझे नाम नहीं पता है। It was a great experience. Next year definitely bigger and better. As you know, GOD team, Pitara team is growing. मुझे लगता है कि next time GOD versus Pitara करेंगे, GOD के 200 लोग और Pitara के 200 लोग। Oh done, ठीक है। First of all ये first season है, first season में कुछ expectation नहीं होती, but ये beyond expectation था। Thank you for all the management committee who has planned this entire event. Thank you Ankit, thank you Akshay, thank you Pranali, thank you Aditi, thank you entire committee members including Pratima. Who has organized this event so fabulously? Best part क्या है, कंपनी काफ़ी बड़ा है, 8-7 वर्टिकल है, सारे टीम अलग अलग, यू नो खुद का एक ग्रुपिज्म होता है, बट इस टाइम सब टीम, सारे प्लेयर्स, सारे एम्प्लॉयज साथ में खेलते, उससे ज़्यादा और क्या मज़ा होगा। फर्स्ट टाइम आई वॉज प्लेइंग और इतना मजा आया, पूरा दिन हम लोग खेले। अभी तक ऐसा है कि हम और खेल सकते शायद एक दो मैच, थके हैं सब, लेकिन मन से कोई नहीं थका, अभी भी सबको खेलने का मन है। बहुत मजा आया सब लोगों, इतना अच्छा अरेंजमेंट था और सबका गेम पता चला। तो नेक्स्ट ईयर शायद सब अभी स्मार्टली प्लेयर्स चूज कर रहे हैं। ये साल तो सबका डिस्क्लोज हो गया गेम, सो यस एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ईयर नाउ। तो ये फ्रेम में आप ऐड हो रहे हैं अक्षय। अक्षय आपका भी सेम क्वेश्चन है, बता दो। और अच्छा था, बहुत मजा आया। पंडित भाई थैंक यू। सो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा, हम लोगों को लगा कि मैच में उतना मजा नहीं आएगा, लोग उतना डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, बट लड़की लोगों के आने के बाद भी उतना डेडिकेशन से हुआ। लड़की लोग ने कैसे खेला? बहुत बहुत अच्छा खेला, स्पेशली अदिति, प्रणाली, एंजील और भी एक दो लोगों का नाम बोल रहा, साहिली, बहुत अच्छा खेला। ओके एक मिनट, एंडिंग ऐसे नहीं हो सकता। 3-2-1 इसी तरह ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। वही वर्ड बोल के जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहो, भले ही लाइफ में कुछ भी हो आपके, एक स्माइल आपका पूरा बोलते ना कि मूड चेंज कर सकती है। तो कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो। बाय।